Hello students, welcome to our math class. Okay, so I start our math class number 9. Okay students, in the previous class we just discussed about the international number. So today I start the exercise 2.1. okay, so let's start. Our class has been start. So first mein kya hai dekho, दिखाई दे रहा है ना? सो वॉट इज़ द नंबर, यहाँ पे क्या लिखा है, एम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एच टी एच, ओके, यहाँ पे टी टी एच, ओके, यहाँ पे टी एच पे 100, यहाँ पे टी, यहाँ पे ओ. सो क्या होगा? सो नंबर लिखने के लिए बोला है, तो द नंबर इज, आई थिंक अगर मैं एक दिखाऊंगी तो तुम लोग समझ जाओगे, तुम लोग बाकी का कर पाओगे. द नंबर नेम, ओके, नंबर इज 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, and 1. ओके, तो इसको हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या होगा, 2 मिलियन. ओके, 2 मिलियन. क्या हम लिखेंगे, 472 hundred, ओके, एंड 861 हो गया. इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करके लिखेंगे. अगर मिलियन से ज़्यादा होता है तो हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 10 मिलियन, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 100, वैसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है, बस हो जाएगा. ओके, ये वाला होगा 1000, यहाँ पे तो 1000 में है, तो ये वाला 1000 में होगा, सॉरी स्टूडेंट, ये वाला 1000 में होगा. ओके, यहाँ पे 1000 है, मैंने देखा नहीं. सो 2 बिलियन 472 थाउजेंड, ओके, एंड 861, ऐसे होगा. अगर नंबर भी ऐसे रहता है तो नंबर नेम ऐसा होगा.
ओके तो ये तुम लोग खुद से कर पाओगे, ये वाला खुद से करोगे। मैं सबका एक ही डेमो दिखाऊंगी, उसके बाद तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा। ओके ये सब तुम लोगों को करना है। ओके ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके सो मैं ये इरेज कर रही हूँ। नंबर टू का नंबर टू एफ, ओके यहाँ पे है 74, इसको हम कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? सो 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो ये क्या हो गया 10 मिलियन, ये मिलियन, ये क्या होगा 100,000, 10,000, 1,000, 110 ones। ओके सो हम क्या लिखेंगे? सेवेंटी फोर मिलियन, ओके इन वर्ड्स। इनको अगर हम इन वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 74 मिलियंस, ओके 522,000, 522,000 and 830, okay 830. ओके मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लोगों को बात का पूरा करना होगा और ऐसे ही तुम लोग खुद से कर पाओगे अगर वर्ड्स में दिया गया है तो नंबर में क्या होगा। ओके वर्ड्स में दिया है नंबर ऐसा होगा तो हो गया, तो ये वाला तुम लोग खुद से करोगे, यू विल डू इन योर ओन एंड ये वाला। ओके ये पूरा चैप्टर जो बाकी रह गया है वो पूरा तुम लोग करोगे। अच्छा यहाँ पे देखो कॉमा, कॉमा कहाँ पे लिखना है देख लिया तुम लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो। आई रेज द बोर्ड, तो ये देखो यहाँ पे नंबर फोर पुट कॉमास, कॉमा देने के लिए बोला गया है तो मैं एफ का दिखा रही हूँ। 9293862 क्या होगा? पीछे से 3 उसके बाद 3 हो गया कॉमा, ऐसे ही होता है। ओके तुम लोग कर पाओगे, कोई बात नहीं है तुम लोग कर पाओगे। रिव्यू टाइम में जो है अगर वो अगर एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो ये भी खुद से कर पाओगे। ओके सो नेक्स्ट डे द चैप्टर वॉज कंप्लीट, चैप्टर इज कम्प्लीट। नेक्स्ट डे आई स्टार्ट द चैप्टर 3 ऑपरेशन विद द लार्ज नंबर्स। ओके नेक्स्ट डे इसका करेंगे हम। ऑपरेशन विद द लार्ज नंबर। ओके स्टूडेंट्स सो आज के लिए इतना ही, सो गुड बाय एंड टेक केयर।